हेलो एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम देखेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स के का डिफरेंस, दोनों को कंपेयर करेंगे, क्या क्या अंतर होते हैं दोनों में वो देखेंगे, पॉइंट वाइज सिक्वेंस में देखेंगे, एक करके टोटल 10 पॉइंट्स हैं, एक के बाद एक देखेंगे। तो शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। पॉइंट वन, इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन थ्रू आउट इट्स लाइफ। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस जिसको हम RES बोलते हैं, वो हमेशा उपलब्ध रहेगा, हमेशा हमें प्राप्त होते रहेगा हमारे पूरे जीवन तक, जीवन पर्यंत तक, इसलिए इसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। इट कैन नॉट बी यूज अगेन एंड अगेन बट वन डे इट विल बी एग्जॉस्टेड। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में वो होता है जो हम कभी कभार यूज कर सकते हैं, जिसको हम रिन्यू नहीं कर पाते हैं, और एक दिन ऐसा होगा कि NRES जो है वो एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा यूनिवर्स से। सेकेंड पॉइंट, दीज आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड। ये एक ऐसा एनर्जी स्रोत है, ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जो कभी खत्म नहीं होगा, विच कैन नॉट बी एग्जॉस्ट। दे आर द एनर्जी रिसोर्सेज विच कैन बी एग्जॉस्टेड वन डे। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज ऐसा ऊर्जा का स्रोत है या ओरिजिन है, रिसोर्स है, जो एक दिन एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दैट इज वाई वी आर स्टडिंग अबाउट द नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी। इसलिए हम RES के बारे में इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं, क्योंकि पता है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे कि कोल, फसल फ्यूल, पेट्रोलियम आने वाले समय में एग्जॉस्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसके सब्स्टिट्यूट के लिए हमने RES को चुना है। थर्ड पॉइंट, इट हैज लो कार्बन एमिशन एंड हेंस एनवायरमेंट फ्रेंडली। कार्बन एमिशन बहुत कम है और पर्यावरण को कोई प्रदूषण फैलाने वाला नहीं है RES, चूंकि कोई भी फॉसिल फ्यूल उपयोग में नहीं लाता RES, इसलिए कोई भी कार्बन एमिशन नहीं है और पर्यावरण जो कि एनवायरमेंट है वो भी फ्रेंडली है। इट हैज हाई कार्बन एमिशन एंड हेंस नॉट एनवायरमेंट फ्रेंडली। चूंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस में कोल, पेट्रोलियम और भी बहुत सारे फॉसिल फ्यूल यूज होते हैं, इसलिए डेफिनेटली उसमें कार्बन का एमिशन होना जरूरी है, जो एनवायरमेंट को पॉल्यूट करता है और एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है, पर्यावरण को प्रदूषित करता है, इसलिए वो एनवायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। इट हैज हाई कार्बन एमिशन। नेक्स्ट फोर पॉइंट, इट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी। असीमित मात्रा में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस उपलब्ध है। जैसा कि हम जानते हैं, सूर्य की रोशनी, सोलर एनर्जी, जिसका कोई सीमा नहीं है, हवे, विंड एनर्जी, जो हवे से प्राप्त ऊर्जा है, उसका भी कोई सीमा नहीं है, तो ये सारे असीमित हैं, इसलिए इसको इट इज प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी के अंतर्गत कहा गया है। इट इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी एंड वैनिशेस वन डे। जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है वो बहुत ही लिमिटेड क्वांटिटी में उपलब्ध है और एक दिन समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, इसलिए इसे लिमिटेड क्वांटिटी में प्रेजेंट है, ऐसा कहा गया है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को। फिफ्थ पॉइंट, कॉस्ट इज लो एंड कॉस्ट इज हाई। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का कॉस्ट हाई होता है, जैसा कि हम देखते हैं पेट्रोलियम का रेट बहुत ज्यादा हाई है, कोल का रेट हाई है। सिमिलरली अगर हम RES में कोई भी एक चीज देखें, सोलर एनर्जी में अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना चाहें तो एक बार सोलर अरेंजमेंट, फोटोवोल्टिक अरेंजमेंट का बस ही कॉस्टिंग है, उसके बाद सिर्फ मेंटेनेंस चार्जेस है, ज्यादा कोई कॉस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कॉस्ट इज लो इन RES एंड कॉस्ट इज हाई इन NRES। सिक्स पॉइंट, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज आर पॉल्यूशन फ्री, द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज आर नॉट पॉल्यूशन फ्री। पॉइंट थ्री में हमने देखा है कि कोई भी कार्बन एमिशन नहीं है RES में, इसलिए पॉल्यूशन फ्री है, कोई प्रदूषण नहीं होता, और NRES में पॉल्यूशन होता है क्योंकि वो कार्बन एमिट करता है। सेवन पॉइंट, लाइफ ऑफ रिसोर्सेज इज इनफाइनाइट। लाइफ ऑफ रिसोर्सेज इज फाइनाइट एंड वैनिशेस वन डे। दिस इज द पॉइंट सिमिलर टू पॉइंट नंबर फोर। एट पॉइंट, इट हैज हाई मेंटेनेंस कॉस्ट, इट हैज लो मेंटेनेंस कॉस्ट एज कंपेयर्ड विथ
RES, चूंकि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे बहुत सारे इक्विपमेंट यूज करते हैं, इसलिए उनकी मेंटेनेंस की भी आवश्यकता, रूटीनली मेंटेनेंस की आवश्यकता होती है. दैट इज वाई द मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी हाई इन RES एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इज वेरी लो इन द NRES. नाइन्थ पॉइंट, लार्ज लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ इट्स पावर प्लांट, लेस लैंड एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर इट्स पावर प्लांट इंस्टॉलेशन. RES में एक पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए बड़े एरिया, बड़े जगह की आवश्यकता होती है. उसी तरीके से NRES में अगर पावर प्लांट इंस्टॉल करने के लिए कोई अरेंजमेंट लगाना है तो उसे में कम एरिया की आवश्यकता होती है. टेंथ पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, RES के एग्जांपल्स, RES की सोर्सेस, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी और भी बहुत सारे होते हैं, जियो थर्मल एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन, वेव एनर्जी, बायोमास एनर्जी, दीज ऑल आर द एग्जांपल्स और रिसोर्सेस ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, फोसाइल फ्यूल्स आर द एग्जांपल्स ऑफ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस. तो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपेरिजन बिटवीन द NRES एंड RES बहुत ही इंपॉर्टेंट है. कन्वेंशनल एनर्जी और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी के बीच में 10 पॉइंट के अंतर देखा हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एक बार फिर से आप कोशिश कीजिएगा समझने का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट से, और समझने का वीडियो देख के समझने का प्रयास कीजिएगा. नहीं समझ में आए तो फिर से एक बार बुक रिफ़र कीजिएगा. बहुत बहुत धन्यवाद.